भाई आजकल अगर आजमगढ़ में कुछ गूंज रहा है तो वो निरहुआ निरहुआ और निरहुआ का नारा। वैसे भी गूंजना भी चाहिए हर जगह, जब मोदी लहर है तो निरहुआ की लहर होनी वाजिब ही है। अब लेकिन यहाँ पर एक और नए सदस्य ने एंट्री मारी है। भाई आपने तो सुना ही होगा, आजकल पवन सिंह अपने फिल्मों से ज़्यादा कहीं बिजी है, तो वो है चुनावी मैदान में। और जब पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि वो निरहुआ के यहाँ जाकर क्या करेंगे। निरहुआ के यहाँ जाकर भी वो प्रचार ही कर रहे हैं, लेकिन क्या दमदार तरीके से। इतने दिनों बाद निरहुआ से मिलने के बाद पहली बात पवन सिंह ने क्या कही, जरा सुन लीजिए। रिकॉर्ड वोट से विजयी है, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। पहली बात पवन सिंह ने यही कही कि उनका बड़ा भाई निरहुआ यानी कि दिनेश लाल बहुत ही भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। जी हाँ, यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत की जितनी बड़ी खुशी पवन सिंह को है शायद ही किसी को होगी। वैसे लगातार जिस तरह से निरहुआ को बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ निरहुआ के लिए भोजपुरी जगत आज आजमगढ़ में उमड़ पड़ा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ वो कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जिस कीर्तिमान के लिए बीजेपी ने अपनी जी जान झोंक दी है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करे जहाँ उसे ये पता हो कि यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है, तो उस चुनाव के अहमियत को आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि पवन सिंह जो है बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, दिल्ली में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, मनोज तिवारी के लिए किया, गौतम गंभीर के लिए किया, लेकिन अभी तक वो अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास नहीं आए चुनाव प्रचार करने। तो आप देख लीजिए इसकी सीधी तस्वीरें, जब दिनेश लाल यादव के विजय की घोषणा खुद उनके छोटे भाई पवन सिंह कर रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं पवन सिंह कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं दिनेश लाल यादव पवन सिंह के लिए, और पवन सिंह कितने इंपॉर्टेंट हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।